यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जहां हॉरर किलिंग के आरोप लगे, तो सोनीपत जिले के बड़ोली गांव से हॉरर किलिंग का ये मामला सामने आया है। 16 साल की युवती की हत्या कर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया, ये आरोप है, जिसके बाद युवती के प्रेमी के पिता ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दी है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल युवती का पड़ोसी गाँव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये आरोप है कि युवती का पड़ोस के गाँव के युवक से प्रेम प्रसंग था। 27 सितंबर को युवती के साथ पकड़ा भी गया था, जिसके बाद परिजनों ने युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया, उसे जेल भेज दिया गया। अब युवती की हत्या कर मामला जो है ये छिपाने की कोशिशें की गई, लेकिन मामला फिलहाल सामने आ चुका है, पुलिस के संज्ञान में भी है। हालांकि परिजनों का पक्ष ये है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, तमाम आरोपों को खारिज किया गया है। सोनीपत के राय का ये मामला है जहाँ 16 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या की गई है, उसके आरोप लगे हैं लड़की के परिजनों पर। दरअसल पूरा जो मामला है ये प्रेम प्रसंग का बताया गया है कि पड़ोसी गांव के युवक के साथ लड़की के प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस को दरअसल शिकायत दी गई और लड़के के पिता की ओर से ये शिकायत दी गई पुलिस को, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिसमें उसने कुछ ऑनर किलिंग के क्लेम किए थे, तो उसका कहना था कि यहाँ बड़ोली गांव की एक युवती थी जिसके साथ उसके बेटे का लव अफेयर था, और कल उन्हें सूचना मिली है कि 2-3 तारीख की रात को उस लड़की की हत्या कर दी गई और उसको यमुना के किनारे जला दिया गया। उसी मामले की हम जांच करते हुए यहाँ पर आए हैं। कल पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली थी उसके ऊपर हमने मामला दर्ज कर लिया था अंडर सेक्शन 302 और 201 IPC, और अभी मामले की जांच जारी है।